नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर, तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। मणिपुर में हिंसक विरोध को रोकने के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार ने उपद्रवियों के खिलाफ देखते ही गोली मारने के दिए आदेश। केंद्र की तरफ से आज और अतिरिक्त केंद्रीय पुलिस बल भेजे जाने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह केंद्र और मणिपुर के वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार ताजा हालात की ले रहे हैं जानकारी। कल उन्होंने मणिपुर के सीएम के साथ दो बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। अमित शाह ने मणिपुर की सामान्य स्थिति बहाली के लिए हर संभव मदद का दिया भरोसा। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य सरकार ने रिटायर्ड आरपीएस अधिकारी और सीआरपीएफ के प्रमुख रहे कुलदीप सिंह को अपना सुरक्षा सलाहकार किया नियुक्त। इस नियुक्ति के बाद फौरन कुलदीप सिंह पहुंचे इम्फाल। नगा और कुकी जनजातियों ने मणिपुर में बहुसंख्यक मैथी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध किया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई और उसके बाद कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, मणिपुर में हाल की घटनाओं से प्रभावित कई परिवारों ने असम में शरण ली, जिनकी देखभाल की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री के साथ वो लगातार संपर्क में है। भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री आज से 7 मई तक कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर बाद बेल्लारी में जनसभा करेंगे। बेल्लारी जिले में विधानसभा के 5 निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री 6 और 7 मई को बेल्लारी में हमारा गौरव हमारा रोड शो में शामिल होंगे। 2 दिन का रोड शो 17 निर्वाचन क्षेत्रों से होकर गुजरने वाला है। आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए पुलिस आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। प्रधानमंत्री 6 मई को बेंगलुरु में रोड शो के बाद बादामी और हावेरी में चुनावी रैलियां करेंगे। 7 मई को बेंगलुरु में रोड शो को करने के बाद शिवमोगा और नंजनगुड में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री प्रसिद्ध श्री कंटेश्वर मंदिर में प्रार्थना भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी स्टार प्रचारकों की फौज कर्नाटक में उतार दी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की मौजूदा सरकार को निशाने पर लिया और कहा, भ्रष्टाचार में डूबी सरकार असल मुद्दों पर बात ही नहीं करती। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी आज कर्नाटक में। दोनों नेता आज रायचूर में रोड शो और रैली करेंगे। इसके अलावा कोपल्ला कलबुर्गी में भी चुनावी रैली होनी है। कांग्रेस के तमाम नेता कर्नाटक में लगातार बीजेपी पर हमलावर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली में किसानों से पूछा कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था तो क्या वो पूरा हुआ। रोजगार और महंगाई के मसले पर भी उन्होंने बीजेपी को घेरा। कर्नाटक में कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धरमैया और शिव कुमार अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी प्रचार के लिए व्यस्त। जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने हासन जिले में प्रचार किया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर उपचुनाव 29 मई को कराए जाएंगे। 11 मई को अधिसूचना के बाद 18 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफे और बनवारी लाल के निधन के बाद दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मुंबई के एनसीबी दफ्तर में आज एक अहम बैठक होनी है, जिसमें शरद पवार मौजूद रहेंगे। शरद पवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने उत्तराधिकार यानी पार्टी अध्यक्ष चुनाव का चुनने के लिए अधिकार दिया है। पूर्व कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की याचिका पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। रोडरेज केस में सजा काटकर बाहर आने के बाद उनकी सुरक्षा जेड प्लस से वाई प्लस करने पर उन्होंने अदालत का रुख किया था। सिद्धू ने खुद को जान से मारने का खतरा बताया था। केरल हाईकोर्ट आज हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी के टीजर और ट्रेलर में कुछ बयानों के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। मांग है कि अदालत सेंसर बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए दिए गए प्रमाण पत्र को रद्द कर दे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय ओडिशा दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति आज पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति आज सिमलीपाल अभयारण्य जाएंगी। कल 6 मई को बारीपदा में महाराजा श्री रामचंद्र वंश देव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से 2 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर। वो 6 मई को लंदन के वेस्ट मिनिस्टर एबे में किंग चार्ल्स 3 के राज्याभिषेक पर भारत की सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।
गोवा में आज शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हो रही है, जिसमें जुलाई में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा तैयार किया जाएगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी बैठक में हिस्सा लेंगे। ऐसे विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक गोवा में चल रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन, रूस और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। डॉक्टर जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव झांगमिंग के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने संगठन की भारत की अध्यक्षता के लिए उनके समर्थन को सराहा। भारत ने पिछले वर्ष शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता संभाली थी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता संगठन को सुरक्षित बनाने की प्रतिबद्धता से निर्देशित है। इस दौरान स्टार्टअप, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, युवा सशक्तिकरण, बौद्ध विरासत और विज्ञान और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दक्षिण कोरिया के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चू क्यूंग हो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने माना भारत और दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदार। वित्त मंत्री ने भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को आगे बढ़ाने के लिए कोरिया निवेश निगम KIC और अन्य निवेशकों को भारत में निवेश के लिए किया आमंत्रित। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव समारोह को चिन्हित करने के लिए लघु वीडियो की दूसरी श्रृंखला तैयार की। ये सीरीज भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को सामने लेकर आती है। मदुरई में चित्रई उत्सव के हिस्से के रूप में वैगई नदी में भगवान कल्ला जागर के प्रवेश पर भक्तों की भारी भीड़ भक्त खुशी से झूमते नजर आए। आज लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, लेकिन ये पूर्ण नहीं बल्कि पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण होगा। इसमें चांद के आकार में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। चंद्र ग्रहण तीन तरह के होते हैं, पूर्ण, आंशिक और पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण। ग्रहण लगने से पहले चंद्रमा पृथ्वी के उपछाया में प्रवेश करता है, जिसे अंग्रेजी में पेनुम्ब्रा कहते हैं। क्योंकि ये स्थिति पूर्ण चंद्र ग्रहण में नहीं होती, इसलिए पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया न पड़कर उसकी सिर्फ उपछाया नजर आती है, जो कि धुंधली है। आज जो चंद्र ग्रहण होगा उसमें चांद आम दिनों की तरह बिल्कुल सामान्य दिखाई देगा, लेकिन ध्यान से देखने पर इसका रंग हल्का मटमैला नजर आएगा। भारत के अलावा आज होने वाला चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, उत्तरी अफ्रीका, रूस और यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। दोनों अमेरिकी महाद्वीपों में ये ग्रहण नहीं दिखेगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस दिन बौद्ध गया में दुनिया भर से बौद्ध धर्म मानने वाले आते हैं। बोधि वृक्ष की पूजा होती है। मान्यता है कि इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। राष्ट्रपति ने बुद्ध पूर्णिमा पर देश के लोगों और बुद्ध के अनुयायियों को बधाई दी। कहा कि करुणा के प्रतीक भगवान बुद्ध ने हमें ज्ञान, सहनशीलता, सदाचार का मार्ग दिखाया। उनका सरल और प्रभावी उपदेश प्रेम, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देश भर की पवित्र नदियों में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। आज के दिन पौराणिक नदियों में स्नान का काफी महत्व है। हर महीने पूर्णिमा भगवान विष्णु को समर्पित होती है। जम्मू कश्मीर में पुछ पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान में दो ड्रग पेडलर्स को किया गया गिरफ्तार। दोनों की पहचान हुई। इनमें कुल 6 पैकेट हेरोइन को बरामद कर जब्त कर लिया गया। उधमपुर किश्तवाड़ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए क्राफ्ट्समैन पबल्ला अनिल को पुष्पांजलि अर्पित की गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शूटर किशन मेनारिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। किशन मेनारिया फिलहाल उदयपुर की सेंट्रल जेल में बंद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी किया। उसमें 12,489 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए 6 मई से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में वन विभाग ने एक नवाचार किया, जिसके बाद स्थानीय युवकों को रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वन विभाग के सहयोग से सैलानियों को वाटर स्पोर्ट्स करवाए जा रहे हैं। गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर को सुंदर बनाने के लिए कबाड़ और बेकार सामग्री से शहर के कई फ्लाईओवर्स और पुलों पर कलाकृतियां बनाई। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 31वीं वार्षिक आम बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, भारत अमेरिका साझेदारी 21वीं सदी का निर्णायक क्षण है। उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले कुछ वर्षों में अधिक रहा, आने वाले वर्षों में इसके कई गुना बढ़ने के भी लक्ष्य हैं। पीयूष गोयल ने अमेरिका की कंपनियों को भारत में अपना आधार तैयार करने और अफ्रीका के साथ साथ
दक्षिण पूर्व एशिया जैसे नए बाजारों तक विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन दिया। केंद्रीय मंत्री ने मुंबई में आयोजित फिक्की फ्रेम 2023 को वर्चुअली संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारत दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। पीयूष गोयल ने कहा, भारत 2047 तक वैश्विक विकास को प्रेरित करने वाली महाशक्ति बन जाएगा। उन्होंने कहा, भारत हाल के नीतिगत सुधारों के लिए और उसके साथ अमेरिकी कंपनियों को सुनिश्चित समृद्धि और विकास का अवसर उपलब्ध करवाता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग में लोगों को व्यापार को और देशों से जोड़ने के लिए अपार क्षमता शामिल है। बम्बई उच्च न्यायालय ने DHFL धन शोधन मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को जमानत देने से किया इनकार। अदालत ने कहा, राणा इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक, उन पर सार्वजनिक धन के शोधन का गंभीर आरोप। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों से कीमतें घटाने के लिए कहा। सरकार ने कहा, वैश्विक कीमतों में आई गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए और कीमतों को कम किया जाना चाहिए। RBI ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि विदेश के अलावा घरेलू स्तर पर होने वाले इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजने में और उन्हें प्राप्त करने के बारे में दोनों जगहों से सूचना दर्ज की जाए। RBI के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर अभी कुछ गिनी चुनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का दबदबा अन्य मुद्राओं को अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था में विविधता लाकर जोखिम कम करने की जरूरत। आप सोच रहे होंगे कि मेरी रसोई में इतने तरह के तेल क्यों हैं? अलग अलग तेल विभिन्न प्रकार के आवश्यक फैटी एसिड्स प्रदान करते हैं जो हमारी बेहतर सेहत के लिए जरूरी हैं। हमें तेलों का बदल बदल के प्रयोग करना चाहिए ताकि हम इनसे अधिक स्वास्थ्य लाभ ले सकें। तो आइए देखते हैं कि मैं खाना पकाने के लिए इन तेलों का प्रयोग कैसे करूँगी। मैं तिल के तेल से पोहा बना रही हूँ और ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने सरसों के तेल का प्रयोग दोपहर के खाने में सब्जी बनाने के लिए किया है और दाल के तड़के के लिए घी का प्रयोग किया है। सूरजमुखी तेल, कुसुम तेल, कपास का तेल, राइस ब्रांड आदि तेलों का उपयोग भी नियमित रूप से बदल बदल कर किया जा सकता है। तेलों को बदलने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप हर महीने खाना पकाने में इस्तेमाल करने वाला तेल बदल दें। स्वस्थ दिल और शरीर के लिए नियमित रूप से तेल बदलते रहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत करते हैं अनेक खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। भारतीय रेलवे ने पिछले 9 साल में 37,011 किलोमीटर रेल मार्ग का इलेक्ट्रिफिकेशन किया। भारतीय रेलवे के अनुसार वर्ष 1947 में देश की आजादी से 2014 तक सिर्फ 21,413 किलोमीटर रेल मार्ग का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था। TVS मोटर ने जो कंपनी है उसने अपने मार्च की समाप्त तिमाही में उसका जो शुद्ध लाभ है वो 21% से बढ़कर 336 करोड़ रुपए रहा। बिक्री बढ़ने से कंपनी को मुनाफा भी बढ़ा। हीरो मोटोकॉर्प का 31 मार्च 2023 को समाप्त बीते वर्ष चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 31% से बढ़कर 811 करोड़ रुपए। संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट ने 15 मई तक टिकट बुकिंग रोकने की घोषणा की। एयरलाइन यात्रियों को टिकट का पैसा लौटाने भविष्य में यात्रा के लिए उनके इस्तेमाल की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। NCLT ने संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट की स्वैच्छिक दिवाला समाधान याचिका पर अपना फैसला रखा सुरक्षित। यूक्रेन राष्ट्रपति गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत का उन्होंने दौरा किया। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के युद्ध जीतने पर रूसी राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध अदालत का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन राष्ट्रपति ने यूक्रेन को न्याय के बिना शांति नहीं शीर्षक वाले अपने संबोधन में कहा, पुतिन इन आपराधिक कार्रवाइयों के लिए यही अंतर्राष्ट्रीय कानून की राजधानी में सजा पाने के हकदार। जेलेंस्की के दौरे से एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन पर क्रेमलिन पर हमले का आरोप लगाया था। हालांकि जेलेंस्की ने क्रेमलिन पर हमले के रूस के दावे का खंडन किया। रूस ने आरोप लगाया कि क्रेमलिन के हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया, क्रेमलिन अच्छी तरह से जानता है कि इस तरह के कार्यों और आतंकवादी हमलों पर निर्णय कीव में नहीं बल्कि वॉशिंगटन में किया जा रहा है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि बृहस्पतिवार को 3 रूसी ड्रोन ने ओडिशा शहर को निशाना बनाया। सेना ने यह भी दावा किया कि पिछले 4 दिन में 3 बार कीव पर हवाई हमले का प्रयास किया गया।
यूक्रेन की वायुसेना ने विभिन्न क्षेत्रों में रूसी सेना द्वारा भेजे गए कुल 24 ड्रोन में से 18 को किया नष्ट। ड्रोन हमलों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। यूक्रेन राष्ट्रपति ने अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान एक डच सैन्य अड्डे का भी दौरा किया। सैन्य अड्डे में जेलेंस्की ने घायल यूक्रेनी सैनिकों से मुलाकात की। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अपनी ब्याज दर में बढ़ोतरी की रफ्तार को धीमा किया। ईसीबी के प्रमुख क्रिस्टीन लगाद ने नीतिगत दर में 0.25% वृद्धि की घोषणा की। ईसीबी के प्रमुख ने कहा कि यह कदम उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उठाया गया, लेकिन अभी हमें काफी काम करना बाकी है। यूरोपीय संघ के भीतर महंगाई अब भी 7% के उच्चतर पर बनी हुई है। रवांडा के पश्चिमी और उत्तरी प्रांतों में 2 मई से शुरू हुई बारिश और बाढ़ की वजह से भारी तबाही। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 130 लोगों के जान जाने की आशंका है और वहीं 5,000 से अधिक घर तबाह हुए हैं। 2,500 से ज्यादा घर प्रभावित। बारिश और बाढ़ के कारण अभी भी कई लोग लापता। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य जारी। मलबों में दबे लोगों को निकालने का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी। रवांडा के प्रधानमंत्री ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। उन्होंने कहा भूस्खलन के बाद मिट्टी में दबे शवों की तलाश जारी। उन्होंने कहा मरने वालों का आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। एडवर्ड एनन ग्विंटे ने ये कहा कि आपदाएं बाढ़ और कटाव के कारण हुई जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के घर गिर गए। उन्होंने बताया कि सरकार ने राहत और सहायता भेजी है जिसमें भोजन, स्वच्छ किट, बिस्तर और रसोई और के बर्तन भी शामिल हैं। हिंसाग्रस्त सूडान के मानवीय संकट के कारण लाखों लोगों का पलायन जारी। 1,00,000 से अधिक लोग सूडान से पलायन कर गए। वहीं 30,000 से अधिक लोग जो दक्षिण सूडान के साथ दक्षिणी सीमा लग रही है उसमें शरण लिए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सूडान में पिछले महीने की 15 तारीख से प्रतिद्वंदी सैन्य गुटों के बीच संघर्ष के बाद से 1,00,000 से अधिक लोग सूडान से पलायन कर गए। वहीं विश्व खाद्य कार्यक्रम के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि दक्षिणी सूडान में 7.4 मिलियन लोगों को खाद्य सहायता की जरूरत है। सूडान में लोग बिजली और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खार्तूम के दक्षिण में स्थित कलकला में बिजली संकट के कारण लोग अपना मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए लाइन से खड़े हुए हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3,800 भारतीयों को संघर्षरत सूडान से सुरक्षित निकाला जा चुका है। सूडान से सुरक्षित निकाले गए 47 भारतीयों को वायुसेना के विमान से जद्दा आज सुबह दिल्ली लाया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद के उच्च न्यायालय में पेश हुए। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने 9 अलग अलग मामलों में उनकी अंतरिम जमानत की बढ़ाई अवधि। इमरान खान इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। अदालत ने इमरान खान की विभिन्न अदालती सुनवाई से लगातार अनुपस्थित रहते हुए अप्रसन्नता जताते हुए उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए बुधवार को उन्हें चेतावनी भी दी गई थी। यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्का ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति से डाउनिंग स्ट्रीट में मुलाकात की। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद जेलेंस्का की ब्रिटेन की दूसरी यात्रा। ब्रिटेन में शनिवार को होने वाले किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक से पहले प्रधानमंत्री के आवास के बाहर ओलेना जेलेंस्का और अक्षता मूर्ति ने तस्वीरें खिंचवाई। दोनों ने ब्रिटिश लाइब्रेरी का भी दौरा किया। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने। ये मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए एक रोमांचक मुकाबले को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 रन से अपने नाम किया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। लक्ष्य का विचार करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने टीम निर्धारित कर 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 166 रन ही बनाए और वो मैच हार गई। कोलकाता के लिए रिंकू सिंह ने 46, नीतीश राणा ने 42 रन की पारी खेली। हैदराबाद के लिए एडन माकम ने 41, हेनरिक क्लासेन ने 34 और अब्दुल समद ने 21 रन बनाए। ताशकंद में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। आज राउंड ऑफ 23 में भारतीय पहलवान दिखाएंगे दमखम। मुक्केबाज आशीष क्यूबा के लोपेज कार्डोना से भिड़ेंगे तो वहीं मोहम्मद हसामुद्दीन का सामना चीन के ल्यू पिंग से होगा, जबकि हैवीवेट कैटेगरी मुक्केबाज नवीन कुमार और कोरिया के जियोंग आमने सामने। गुरुवार को खेले गए मुकाबले में जीत हासिल कर गोविंद साहनी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग मेगेदौर के लिए प्रवेश कर लिया। 51 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक भोरिया ने भी शानदार जीत दर्ज की। दीपक ने इक्वाडोर के मुक्केबाज लुइस डेलगाडो को 5-0 से हराया।
मुक्केबाज नरेंद्र बैरवाल का भी शानदार प्रदर्शन दिखा। उन्होंने कजाकिस्तान के मुक्केबाज अहमद अबोरी दिनोव को 4-1 से हराया। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन ने मेडिड ओपन के फाइनल में बनाई जगह। रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में रोहन और एबडेन की जोड़ी ने मेक्सिकन फ्रांसीसी जोड़ी को 5-7, 7-6, 10-4 से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। मेडिड ओपन के पुरुष युगल स्पर्धा के फाइनल में रोहन और एबडेन का सामना शनिवार को केरेन खचनोव और आंद्रे रुबलेव की रूसी जोड़ी के साथ। दुनिया के दूसरे नंबर की खिलाड़ी महिला टेनिस में अरेना सबलंका ने मेडिड ओपन 2023 में बनाई जगह। प्रतियोगिता के महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल स्पर्धा में सबलंका ने ग्रीस की 9वीं वरीयता प्राप्त मारिया स्क्वारी को 6-4, 6-1 से हरा फाइनल में किया प्रवेश। दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी एगा स्वियातेक मेड्रिड ओपन की महिला एकल स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई हैं। एगा ने प्रतियोगिता में सेमीफाइनल मैच में रूस की वेरोनिका कुदेरमेतोवा को 6-1, 6-1 के बड़े अंतर से हरा खिताबी मुकाबले में जगह पक्की की। मेडिड ओपन के पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में ग्रीस के स्टेफनोस सिट्सिपास उलट फिर क्या शिकार हुए। सिट्सिपास को जर्मन टेनिस खिलाड़ी जेन लेनार्ड स्टफ के हाथों हार झेलनी पड़ी। और इसी पुरुष एकल वर्ग के रोमांचक क्वार्टर फाइनल मैच में जेन लेनार्ड ने सिट्सिपास को 7-6, 5-7, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। रूस के असलान कराटसेव भी मेड्रिड ओपन के पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। असलान ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन के झांग जुझेन को 7-6, 6-4 के अंतर से हराया। रानी मुखर्जी मर्दानी टीम से खाकी वर्दी के अवतार में करेंगी वापसी। अपने एक इंटरव्यू में कहा, पुलिस अफसर का किरदार निभाने के लिए उत्साहित, लेकिन बस एक बढ़िया कहानी चाहिए। सुदीप्त सेन की पैन इंडिया फिल्म द केल स्टोरी आज हुई रिलीज। फिल्म पर कई राजनीतिक पार्टियों ने आपत्ति जताई और इसे बैन करने की मांग की गई। फिल्म द केल स्टोरी रिलीज से पहले हुई विवादों का शिकार। फिल्म को लेकर बढ़ते विवाद के बीच फिल्म को रिलीज से पहले तमिलनाडु में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर की बेटी अवंतिका बॉलीवुड में करने जा रही है डेब्यू। अवंतिका यू शिप कलीक में नजर आएंगी। जहान मामले में बरी होने के बाद बंगला साहब गुरुद्वारे पहुंचे सूरज पंचोली। सूरज पंचोली ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर दिल्ली स्थित बंगला साहब गुरुद्वारे की तस्वीरें साझा की हैं। जिमी शेरगिल की फिल्म आजम का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म 19 मई को सिनेमाघरों में दरवाजा खटखटा देगी दस्तक। फिल्म की कहानी सत्ता विश्वासघात और साजिश पर आधारित। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की लोकप्रिय सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम्स का तीसरा सीजन जल्द आ रहा है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इंस्टाग्राम अकाउंट के पोस्ट के जरिए ये जानकारी साझा की गई है। तो एक्सप्रेस 100 में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।